मध्य प्रदेश बीजेपी ने की विधानसभा प्रभारियों की नियुक्ति। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें मध्य प्रदेश बीजेपी ने की विधानसभा प्रभारियों की नियुक्ति। सभी 230 विधानसभा में तैनात किए गए प्रभारी। बीजेपी ने की विधानसभा प्रभारियों की नियुक्ति, इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मद्देनज़र पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। मध्य प्रदेश बीजेपी ने सभी 230 विधानसभा में तैनात किए हैं प्रभारी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने अपने विधानसभा प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। 230 विधानसभा क्षेत्रों में प्रभारियों की नियुक्ति की गई है, तैनात किए गए प्रभारी, इस वक्त की बड़ी खबर। बीजेपी ने अपने प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। मध्य प्रदेश बीजेपी ने की नियुक्ति। सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा ने प्रभारियों को किया तैनात। खबर आपको बता दें, बीजेपी ने अपने विधानसभा प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। यूपी बीजेपी ने की विधानसभा प्रभारियों की नियुक्ति। 230 विधानसभा में तैनात किए प्रभारी। खबर इस वक्त की आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के लिए प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। 230 विधानसभा सीटों पर प्रभारियों की नियुक्ति की गई है। और अरविंद शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए संवाददाता। अरविंद जी, चुनाव के मद्देनज़र भारतीय जनता पार्टी लगातार एक्टिव है और जिस तरह से एक्शन मोड नज़र आ रहा है, लगातार बैठकों का दौर भी जारी है और जिम्मेदारियों का निर्वहन भी किया जा रहा है, और ऐसे में 230 मध्य प्रदेश की जो 230 विधानसभा क्षेत्र है सभी पर प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है, क्या अपडेट है? बिल्कुल कमर, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लगातार जिस तरीके से भाजपा इसको लीड कर रही है, भाजपा इसको लेकर आगे बढ़ रही है, वो देखने लायक बात है। और कहीं ना कहीं इस कमर में भाजपा अपने आप को लीड लेकर दिख रही है और जिस तरीके से 230 प्रभारियों की नियुक्ति की गई है, तो उसमें देखा जाए तो लगातार जो क्षेत्र के लोग हैं उनके जी। अरविंद जी, अरविंद जी आवाज मिल रही है आपको? तो बीजेपी ने अपने मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव के मद्देनजर 230 विधानसभा सीटों पर प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। सभी 230 विधानसभा क्षेत्र में प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं, तैनात कर दिए गए हैं। बीजेपी लगातार चुनाव को लेकर कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है। बैठकों का दौर जारी है, लगातार मंथन किया जा रहा है, रणनीति पर चर्चा पुरजोर तरीके से होती दिखाई दे रही है और किस स्ट्रेटेजी के तहत चुनावी मैदान में उतरना है और उसको अमलीजामा पहनाया जा रहा है। अरविंद जी आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल।
जी बिल्कुल, प्रभारियों की जिस तरह से नियुक्ति की गई है, जो जिम्मेदारियां दी गई हैं, उसको किस तरह देखा जा रहा है? बिल्कुल कमर है, चुनावी कमर है और लगातार भाजपा और या कांग्रेस वो दोनों दल अपने अपने जो पत्ते हैं वो खोल रहे हैं। जो 230 जो नियुक्तियां की गई है, प्रभारी जो नियुक्त किए गए हैं उनसे दायित्व दिया गया है कि वो चुनाव का संचालन कैसे हो रहा है, चुनाव किस तरीके से चल रहा है, भाजपा के लोग कहाँ कहाँ कैसे प्रचार कर रहे हैं, उन सब पर निगाह रखेंगे और लगातार जो शासन की योजनाएं थी चल रही थी उनके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए किस तरीके से कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। तो ये तो तमाम जो प्रयास किए जा रहे हैं किस तरीके से चुनाव को भाजपा की तरफ मोल्ड किया जाए या किस तरीके से ये सुनिश्चित किया जाए कि भाजपा की जीत ही हो, तो ये तमाम जो प्रयास है वो चुनाव में होते हैं और इसी प्रयास के साथ भाजपा ने ये 230 जो पदाधिकारी नियुक्त किए हैं जो प्रभारी के रूप में वहां काम करेंगे चुनाव क्षेत्र में। जी कमल, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बात के लिए अरविंद जी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जिम्मेदारियों को जिस तरह से दिया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी में लगातार बैठकें की जा रही हैं, तो उसको देखकर ये कहा जा सकता है कि चुनाव की तैयारियों में कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती बीजेपी।